हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूटी क्रेन डिजाइन का स्टेप नंबर 4। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कर लिए, स्टेप नंबर 2 हो गया, 3 भी हो गया। लास्ट वीडियो देख लेना मेरा, 3 वीडियो है, तीनों वीडियो में अलग अलग स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। स्टेप नंबर 1 में निकाले थे सिलेक्शन, नंबर ऑफ फॉल्स कितना रहेगा, टाइप्स ऑफ रोप कितना रहेगा, नंबर ऑफ बैंड कितना रहेगा। ठीक है, फिर वही स्टेप नंबर 2 में मैक्सिमम टेंशन एंड डायमीटर ऑफ रोप निकाले थे, स्टेप नंबर 3 में लाइफ ऑफ रोप निकाले थे। ठीक है, तो आज स्टेप नंबर 4 करेंगे, जो है डिजाइन ऑफ शिव। ठीक है, शिव को ये रोप पुली भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिजाइन ऑफ शिव में तीन कंपोनेंट को डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, पहले शिव को डिजाइन करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट इज शिव। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है शिव एक्सेल एंड थर्ड आ जाता है शिव एक्सेल बियरिंग। ठीक है, वन बाय वन ये तीनों कंपोनेंट डिजाइन करेंगे ये पर्टिकुलर स्टेप में। ठीक है, तो रियल लाइफ में शिव ऐसा दिखता है। ठीक है, इन इंडस्ट्री देखे रहेंगे तो शिव का ये डायग्राम है। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन और शिव। तो डाटा बुक पहले शिव सिलेक्ट करेंगे, कौन सा शिव चाहिए अपन को। तो डाटा बुक PSG पेज नंबर 9.10 पे जाना, वहां पे वी गॉट ग्रुप प्रोपोर्शन फॉर वायर। ठीक है, अपना स्मॉल डी कितना था, यहाँ पे देखो निकाले थे डायमीटर ऑफ रोप, स्टेप नंबर 2 में निकाले थे डायमीटर ऑफ रोप विच इज 32 mm। ठीक है, 32 mm निकाले थे। तो शिव ग्रुप फॉर, तो डाटा बुक पेज नंबर 9.10 पे जाना, डायमीटर 32 के लिए देखना। ठीक है, 32 वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका नेक्स्ट वैल्यू अवेलेबल है जो है 34.5। ठीक है, तो अपन ये सिलेक्ट करेंगे, 34.5 सिलेक्ट करेंगे क्योंकि 32 अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो 34.5 सिलेक्ट करेंगे। ये डायग्राम है, ये डायग्राम बना लेना, ये डायग्राम मिल जाएगा डाटा बुक वही पेज पे, सेम डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम के टाइम ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, वही पेज पे मिल जाएगा। तो जैसे ही ये सिलेक्ट करेंगे 34.5 डायमीटर ऑफ रोप। ठीक है, तो वही रो, वो पूरा रोप, रो पे जितने भी वैल्यूज है सारे वैल्यूज नोट कर लेना वन बाय वन। ठीक है, वो रो पे ए का वैल्यू है 90 mm, बी हो जाता है 70 mm, सी 115 mm, ई हो जाएगा 20 mm, एच 55, आई 22 mm, आर 22 mm, आर 17 mm, आर 8 mm, आर 28 mm एंड आर 20 mm। ठीक है, ये सारे वैल्यूज इस डायग्राम में इंडिकेट हो जाएगा कि ए का वैल्यू क्या है, बी वगैरह सब इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर, इस स्टेप का फर्स्ट डिजाइन हो गया, शिव का डिजाइन कर लिया। ठीक है, शिव सिलेक्शन कर लिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है शिव एक्सेल सिलेक्ट करना है। ठीक है, डिजाइन ऑफ शिव एक्सेल। तो शिव एक्सेल के लिए डिजाइन करने के लिए लेंथ ऑफ शिव एक्सेल ये स्टैंडर्ड है, जो है स्टैंडर्ड है, रेंज रहता है 1.2 to 1.3 a। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो 1.2 भी ले सकते हैं, 1.3 भी ले सकते हैं, योर चॉइस। ठीक है, खाली मल्टीप्लाई कर देना, उसको ए से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे 1.3 लिया है, तो 1.3 इनटू ए, ए का वैल्यू देखो यहाँ पे है 90 mm। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 90 से, तो 117 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ शिव एक्सेल अपना रहेगा 117 mm। ठीक है, 117 mm रहेगा लेंथ। ठीक है, ये डिजाइन डायग्राम रहेगा अपना शिव एक्सेल का। ठीक है, यहाँ पे अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, और ये यहाँ पे, और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइड पे आ जाएगा अपना R4 का वैल्यू जो है 20, R4 का वैल्यू 20 रहेगा, यहाँ पे भी R4 20 रहेगा। ठीक है, ये अपना लेंथ हो जाता है, लेंथ ऑफ शिव जो है 117, ये भी लेंथ ऑफ शिव है जो 117 है। ये सेंटर आ जाता है, सी आ जाता है 15 mm। ठीक है, ये 15 mm रहेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम भी बना लेना एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाता है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। तो ये बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, पॉइंट बी पे तो रहेगा 2F × 20 + 117/2। ठीक है, ये यहाँ पे फोर्स है, तो ये 2F, ठीक है, 2F + 20 एंड 117 / 2। ठीक है,
2f plus 20 117 by divide. तो f यहाँ पे क्या रहेगा, फोर्स। फोर्स कितना है यहाँ पे जो स्टेप नंबर टू पे अपन ने निकाले थे फोर्स, ठीक है, फोर्स रहेगा 4375 kgf, ठीक है, तो वो फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स का वैल्यू रख देना, फिर ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, तो यहाँ पे मूवमेंट पता चल जाएगा कितना है। पॉइंट मूवमेंट एट पॉइंट बी विल बी 686.87 इंटू 10^3 kgf पर mm, तो इसको कन्वर्ट कर लेना न्यूटन mm में, जो रहेगा 686.8 इंटू 10^4, ठीक है, न्यूटन mm, ठीक है, इतना हो गया, बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए। नेक्स्ट आ जाता है मटेरियल सिलेक्ट करेंगे, तो C45 मटेरियल सिलेक्ट करेंगे फॉर एक्सेल, सो फ्रॉम PSG 1.9 डाटा बुक पेज नंबर 1.9 जाना, वहां पे C45 के लिए देखना इल स्ट्रेंथ कितना है, तो इल स्ट्रेंथ रहेगा 360 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और FOS यहां पे 3 ले लेंगे, तो सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा टी, सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा टी, तो इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन FOS, 360 अपॉन 3 रहेगा, तो जो रहेगा 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन बाय फ्लेक्सुअल फॉर्मूला सिग्मा बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ बी अपॉन जेड, ठीक है, वेयर जेड इज इक्वल टू पाई बाय 32 इनटू डी स्क्वायर ऑफ एक्सएल। तो यहां पे सिग्मा बी पता है 120 है, मोमेंट मोमेंट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना मिला, 686.8 इनटू 10^4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, और जेड जेड क्या रहेगा, यहाँ पे मैंने बता दिया, जेड क्या रहेगा, पाई बाय 32 इंटू डी स्क्वायर एक्सएल, मतलब एक्सएल का डायमीटर रहेगा, ठीक है, एक्सएल का डायमीटर रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देना, तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ एक्सएल मिल जाएगा। ऑन सॉल्विंग वी गेट डायमीटर ऑफ एक्सएल इज इक्वल टू 83.53, इसको राउंड फिगर कर लेंगे 85 mm, ठीक है, डायमीटर ऑफ एक्सएल मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड कंपोनेंट भी डिजाइन कर लिए, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट शिव सिलेक्ट कर लिए थे, शिव एक्सेल भी कर लिए यहाँ पे, अब थर्ड कंपोनेंट पे जाएंगे जो रहेगा शिव बियरिंग। शिव बियरिंग का सिलेक्शन है स्पीड ऑफ पुली वी इज इक्वल टू हॉइस्ट स्पीड इनटू नंबर ऑफ फॉल अपॉन टू, तो हॉइस्ट स्पीड कितना दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा हॉस्टिंग स्पीड, हॉस्टिंग स्पीड है 8 मीटर पर मिनट, ठीक है, 8 मीटर पर मिनट दिया हुआ है, तो हॉर्स स्पीड हो जाएगा 8, नंबर ऑफ फॉल, नंबर ऑफ फॉल अपन ने सिलेक्ट किए थे स्टेप नंबर 1 में, याद रहेगा 4 रहेगा नंबर ऑफ फॉल, ठीक है, नंबर ऑफ फॉल अपना 4 रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ फॉल सिस्टम 4 अपन ने सिलेक्ट किए थे, ठीक है, नंबर ऑफ फॉल इज इक्वल टू 4, तो यहां पे नंबर ऑफ फॉल हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2, तो ये सॉल्व करने पे स्पीड ऑफ पुली मिल जाएगा जो है 16 मीटर पर मिनट, ठीक है, जैसे ही वी मिल गया तो वी नो दैट वी इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60, तो डी क्या रहेगा यहाँ पे, डायमीटर ऑफ पुली, डायमीटर ऑफ पुली स्टेप नंबर 2 में निकाले थे, डायमीटर ऑफ पुली 736 mm, ठीक है, स्टेप नंबर 2 में रहेगा डायमीटर ऑफ पुली निकाले थे जो है 736 mm, तो डायमीटर ऑफ पुली 736 mm, एंड यहाँ पे अननोन रहेगा, v का वैल्यू रख देना, इसको सब्स्टिट्यूट करेगा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n मिल जाएगा, ठीक है, n कितना रहेगा 6.919 rpm, ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 6.919 rpm। नेक्स्ट है अज्यूमिंग लाइफ ऑफ बियरिंग, यहाँ पे अज्यूम कर रहे लाइफ ऑफ बियरिंग 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स अज्यूम किए, तो एल एच आर इज इक्वल टू 2 × 12 × 25 × 16, तो यहाँ पे 2 क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, 2 इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ईयर्स, और 12 इंडिकेट करता है 1 ईयर में कितने मंथ्स रहते हैं, ठीक है, 25 इंडिकेट करता है कि 1 मंथ में कितने डेज वर्किंग डेज रहते हैं, 25 वर्किंग डेज रहते हैं, और ये 16 इंडिकेट करता है कि 1 डे कितना वर्क कर रहे हैं अपन, तो 1 डे का 16 आवर्स आ जाएगा, तो ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा टोटल आवर्स मिल जाएगा जो है 9600 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लाइफ इन मिलियन रेवोल्यूशन निकालेंगे L90, जिसका फॉर्मूला है L90 इज इक्वल टू LR इंटू 60 इंटू एन अपॉन 10^6, LR यहाँ पर मिल गया 9660 n, n यहाँ पर ही मिला 6.919 rpm,
इसको सॉल्व करेंगे तो एल 90 मिल जाएगा, जो है मिलियन लाइफ इन मिलियन रिवॉल्यूशन, जो है 3.98 MR। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इक्विवेलेंट लोड निकालेंगे पीई। पीई का ये फॉर्मूला मिल जाएगा डाटा बुक पेज नंबर 4.2 पे मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे ये फॉर्मूला है जहाँ पे ये फॉर्मूला x इंटू वी इंटू एफ आर प्लस y इंटू एफ ए इंटू एस इंटू के टी। तो यहाँ पे एफ आर क्या रहेगा, 2f अपॉन फोर्स। फोर्स कितना है, 4375, जो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में निकाले थे। ठीक है, 4375 फोर्स। ठीक है, तो 2 इंटू 4375 अपॉन 2। तो ठीक है, यहाँ पे एफ आर का वैल्यू मिल जाएगा। x क्या रहेगा, x हमेशा एज्यूम करने का 1, v हमेशा एज्यूम करने का 1.2, fa रहेगा 0 रहता है। ठीक है, s क्या रहता है, सर्विस फैक्टर रहता है जो 1.2 एज्यूम करते, kt भी एज्यूम करते जिसका वैल्यू 1 रहेगा। ठीक है, ये सब अपन ने मशीन डिजाइन 1 एंड 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, हमेशा इसका वैल्यू सेम रहता है, सेम ही एज्यूम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ऑन सॉल्विंग वी गेट, ये पूरा वैल्यूज डाल के यहाँ से इक्विवेलेंट लोड मिल जाएगा जो है 6300 kgf। PSG 4.2 पे जाना तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे k का वैल्यू क्या रहेगा, k का वैल्यू रहता है 10^3 फॉर रोलर कॉन्टेक्ट बियरिंग, रोलर बियरिंग। ठीक है, फॉर रोलर बियरिंग के लिए k का वैल्यू 10^3 रहता है। ठीक है, तो k का वैल्यू मिल गया। PEP इक्विवेलेंट लोड जो ऊपर ही मिला है 6300, और L90 यहाँ पे मिल गया 3.98, तो यहाँ से c का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सब वैल्यू डाल देना तो c का वैल्यू मिल जाएगा। तो c का वैल्यू मिलता है 9535.06 kgf। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही c का वैल्यू मिल जाता है तो एक फॉर्मूला है जो है बियरिंग नंबर, जिसे बियरिंग नंबर पता चलता है। तो बियरिंग नंबर इज इक्वल टू कोर डायमीटर अपॉन 5। तो कोर डायमीटर कौन सा था अपना, कोर डायमीटर अपना एक्सेल का डायमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ एक्सेल कितना मिला था, 85। ठीक है, तो 85 डिवाइड बाय 5 तो 17 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को पता चल गया कि अपना डायमीटर को बियरिंग नंबर क्या रहेगा, 17 रहेगा। तो 17 पता चल गया, तो फिर डाटा बुक पेज नंबर 4.32 पे जाएंगे, वहां पे सिलेक्ट करेंगे SKF 222 सीरीज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, 222 में SKF 222 सीरीज। ठीक है, वहां पे जाके 17 बियरिंग नंबर 17 देखना कहाँ पे, तो वहां पे 17 सिलेक्ट करना, तो वहां पे 17, ठीक है, 17 सिलेक्ट करना। उसके बाद वहां से डायमीटर स्मॉल डी 85 mm मिल जाएगा, कैपिटल डी भी मिल जाएगा और बी भी मिल जाएगा, ये तीनों वैल्यू वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप में एकदम इजी स्टेप है, पहले सीव सिलेक्शन कर लेना, जो मैं बता दिया कैसे सिलेक्ट करते हैं, डायमीटर वायर रोप के बेसिस पे सिलेक्ट कर लेना सीव, फिर सीव एक्सेल का डिजाइन कर लेना, वहां पे पहले लेंथ निकाल लेना, फिर बेंडिंग मोमेंट पता चल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट पता चलने का फ्लेक्सुअल फॉर्मूला में डाल के डायमीटर ऑफ एक्सेल निकाल लेना, एंड लास्ट बियरिंग कर लेना। ये सिलेक्शन बियरिंग का स्टेप तुम लोग ने मशीन डिजाइन 1 एंड 2 में किया है, तो ये बहुत इजी वाला स्टेप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।